मुझे परेशान देखकर आप लोग हैरान हो रहे होंगे ना, मैं भी आपकी तरह ही हैरान हूँ, क्योंकि मैंने मुंबई के बारे में जितना कुछ जाना था उससे कहीं ज़्यादा मैंने कल देखा था। दादा एक मिनट रोकना। एक्सक्यूज मी। हाँ मैम। मैम चाय लेंगी कॉफी? एक बोतल पानी। कितना हुआ? मैम 15 रुपए का है। 15 रुपए? लेकिन बाहर तो 10 का मिलता है। मैम कहाँ ज्यादा है, इतना दूर से सब जंगल में हमारी दुकान है सुनसान, पर हम ही से सब लेते हैं, 15 का देते हैं सबको। ओके अच्छा ये बताओ एक दिन में कितना कमा लेते हो? मैम वही 200-300 रुपए बच जाता है खाने पीने के बाद। सिर्फ 200-300? अरे मैम वाट लग गई है जब से नोटबंदी हुई है मोती जी, कोई आता नहीं यहाँ पर जल्दी, और कस्टमर आते हैं थोड़ा बहुत कमाई हो जाती है। ओके तो एक दिन में 20,000 कमाना चाहोगे? 20,000? हाँ। अरे मैम कौन नहीं कमाना चाहेगा, हम गांव से कमाने के लिए तो आए हैं। और वो भी एसी में रहकर। एसी? अरे एसी का होती मैम? एसी मतलब आपको धूप नहीं लगेगी, आपको एकदम ठंडा प्लेस लगेगा, कश्मीर जैसा। हाँ कौन नहीं कमाना चाहेगा, जरूर। ओके आ जाओ ऑटो में बैठो। राज थोड़ा दुकान देखना, आ रहा हूँ। चलो भैया। ये लो कपड़े, अंदर बाथरूम है वहां जाके पहन लेना।
बैठो। तुम्हारे लिए। जी मैं शराब नहीं पीता। तुम्हें पता है दो पैग की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। आप कह रहे हैं तो पी रहा हूं। कैसा लग रहा है? बहुत अजीब सा लग रहा है।
मिस्टर, घर नहीं जाना क्या? ये पकड़ो अपने पैसे। और घर जाओ, और आज के बाद हम कभी मिले थे ये भूल जाना। और हाँ, जो तुमने मुझे सुख दिया है उसके लिए कल मैं तुम्हारे घर एक तोहफा भिजवाऊंगी जिसे तुम आखिरी सांस तक नहीं भूलोगे। और हाँ, फटाफट तैयार हो और निकलो। देखा कल आपने मेरे साथ क्या हुआ। पहले मुझे इस काम से घिन महसूस होती थी, फिर जब हाथ में पैसा आया तो मुझे अच्छा लगने लगा। पैसे के पैसे, मजे के मजे, और गिफ्ट के गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट से ध्यान आया, अभी गिफ्ट तो अभी तक आया ही नहीं। क्या राजू की दुकान यही है? जी हाँ राजू, मैं ही हूँ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो भैया? लगता है जिस चीज की आपकी तलाश है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी भैया। अरे बाजू की दुकान में तलाश कीजिए, शायद मिल जाए। पता है, लेकिन यहाँ आया क्योंकि तेरे नाम से कोरियर आया। कोरियर? ये ले, और यहाँ सिग्नेचर कर दो। पेन है आपके पास? लो। थैंक यू। अंजलि जी का लिफाफा? लिफाफे में कैसा गिफ्ट है? अरे राजू, कहीं तेरी सर्विस से खुश होकर मैडम ने कहीं चेक तो नहीं भेज दिया? लाखों रुपए का चेक होगा, क्या करूंगा उस पैसे का? अरे पहले चेक तो देखूं क्या है इसके अंदर। इसमें चेक तो है ही नहीं है। लेटर कैसा है फिर?